हेलो एवरीवन, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया जब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया. इट वाज गिवन बाय मोजले इन 1913. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको ये कंक्लूजन उनका निकला, उनको पता चला कि एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक वेट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. एक एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास. मेंडलीव ने एटॉमिक मास को मान के चले थे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया दैट एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. मतलब किसी भी एटम की या एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे. So modern periodic law states that the physical and the chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number. Again, सारी चीज़ें सेम है मॉडर्न, जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में था. सिर्फ आखिरी के दो शब्द डिफरेंट हैं, यहाँ एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर दिया गया है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे. एंड दे आर द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कुछ गैप के बाद वही प्रॉपर्टीज़ वापस रिपीट होती हैं. इट मीन्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, देन इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी दे रीअकर एट रेगुलर इंटरवल. Therefore, element fall in certain group and it lead to the certain group and period and it lead to the arrangement which is called periodic table. अगर element को उनके atomic number के हिसाब से increasing order में लगा दें तो कुछ group और period में वो element जो है वो arrange हो जाते हैं और उस setup को हम periodic table बोलते हैं. उसी periodic table को अब हम detail में discuss करेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ग्रुप्स. यहाँ देखो, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाउ, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम पीरियड बोलते हैं और जो डाउनवर्ड ये बनी हुई हैं कॉलम्स इनको ग्रुप्स बोलते हैं. टोटल 7 पीरियड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. 7 पीरियड होते हैं और ऐसे करके 18 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ 1 से लेके लास्ट 18 तक. 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट, पीरियड नंबर 1 में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और हीलियम पीरियड नंबर 1 में ये 2 ही होते हैं. पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स हैं और पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं. ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, ये 8 हैं कुल मिला के. और पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनमें 8 एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 2 और 3 में. पीरियड नंबर 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स हैं और पीरियड नंबर 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स हैं. 4 और 5 में 18 और 5 और 6 और 7 में 32, इंक्लूडिंग दीज लेंथेनॉइड्स जो कि पीरियड नंबर 6 में आते हैं इन बिटवीन, और ये एक्टिनॉइड जो कि पीरियड नंबर 7 के बीच में आते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये जो एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड सीरीज़ हैं, दो सीरीज़, इनको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहाँ पर ये लेंथेनॉइड सीरीज़ है और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है, इन दोनों को इनर ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर 6 के बीच में आते हैं. यहाँ आप नोटिस करो तो ये एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बीच के कुछ एलिमेंट मिसिंग है, फिर 72 आ गया सीधा. वो कहाँ है, 57 के बाद 58 से लेके 71 तक,
और यहाँ 89 एक्टिनियम के बाद सीधा 104 है, तो 89 के बाद 90 से लेके 103 तक ये एक्टिनॉइड्स हैं और फिर आगे कंटिन्यू, तो ये इनके बीच में आते हैं इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये वाला पूरा जो येलो पार्ट है, इस येलो पार्ट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और ये इनके बीच में लाए करते हैं इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट हुज एटम हैव द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। देर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। ये तो हम पहले पढ़ चुके कि 18 ग्रुप होते हैं, लेकिन हर एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स साथ में रखे जाते हैं जिनकी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी अगर आप बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कॉन्फिग्रेशन लिखो तो 2.1 आएगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसको 2.8.1 लिखते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 2.8.8.1 ऐसे लिखते हैं। इसी तरह इनकी आगे से आगे कॉन्फिग्रेशन बढ़ती जाती है, लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें इन सब एलिमेंट्स के सबसे आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है कॉमन, इसीलिए इनको सबको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को एक कॉमन ग्रुप में इनको रखा गया है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक्स में इसको सब डिवीजन इसका किया गया है। एस ब्लॉक कहाँ होता है? एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इन दोनों को मिला के एस ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनको कंबाइन हम एस ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक जो है ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होता है। यहाँ पर दिस इज़ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो इसको पूरे को हम पी ब्लॉक बोलते हैं। और चीज़ जो इसमें है कि एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 1 है उसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, ये वाला ग्रुप 1 इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसी तरह पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, उन सबको याद करने का ये मैंने शॉर्ट नोटेशन लिखा है। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 में बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये मैंने लिखा है बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। तो इसके जो मैंने सर्कल करे हैं शब्द, इनसे आपने हिंट लेना है। ब से बोरोन, अ से ए फॉर एलुमिनियम, ग से जी फॉर गैलियम, इंडियन इंडिया का आई फॉर इंडियम और थ से थैलियम। इस तरह आप अपनी भी कोई भी शॉर्ट नोटेशन बना के चीज़ों को याद कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। जो पीछे भी हमने डिस्कस करा कि एक ग्रुप में एलिमेंट्स को क्यों रखा जाता है, और उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन जो है वो सेम आए। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, अगर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग लिखें तो 2.3 आएगा। एल्युमिनियम का है 13, तो 2.8.3 आएगा। ठीक, तो इस ग्रुप में ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट्स वाई दे आर पेयर्ड अप इन द सेम ग्रुप। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं, और ग्रुप 15 को कलेक्टिवली हम निकोजन्स बोलते हैं। पी साइलेंट है, PNICOGENS, निकोजन्स। ग्रुप 15 का नाम होता है निकोजन्स। इसी तरह ग्रुप 17 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम, पोलोनियम है, और इस ग्रुप का नाम है चैल्कोजन्स, CHALCOGENS, चैल्कोजन्स। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, और इस ग्रुप का नाम है हेलोजन्स, हेलोजन्स। और ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इस ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ओके, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ द नोबल गैस
एस ब्लॉक के ये दोनों ग्रुप्स और पी ब्लॉक के और ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के, अदरवाइज पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पूरा होता है, लेकिन ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक ये और एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और 2, इन सबको मिला के हम इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर आपको पूछा जाता है व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आप बोलोगे ग्रुप 1, 2, 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17, यहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब डी ब्लॉक क्या है, एस पी तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 4 to ग्रुप नंबर 12। यहाँ से ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ग्रुप नंबर 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, दिस इज़ द, आई हैव टू करेक्ट हियर, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक इट कॉन्स्टिट्यूट डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इसमें जो रोज़ हैं उनको ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं। मतलब ये जो पूरा येलो पार्ट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये जो सीरीज़ हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज़। और इसके साथ ही ये जो एफ ब्लॉक है, ये नीचे वाला पार्ट जिसमें कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं, ये एक्चुअली इनके बीच में लाई करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बट इनको अलग रखा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ मैच नहीं करती थी, और इनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को मिला के हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, या फिर इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।